अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बिना तंदूर बिना ओवन के शकरकंदी कैसे भुनी जाती है। इसे हम तवे पर ही भुनेंगे और स्वाद जो आएगा चूल्हे वाला आएगा। आप इस तरीके से ज़रूर शकरकंदी को बनाएं। अगर आपको चूल्हे वाला टेस्ट चाहिए, भुना हुआ टेस्ट चाहिए, तो ऐसे तरीके से बनाएं, आपको ज़रूर भुना हुआ टेस्ट मिलेगा। ओवन और तंदूर वाला टेस्ट आपको तवे पर ही मिल जाएगा। हमने यहाँ पर तवा ले लिया है, अब इसमें रख देंगे शकरकंदी। शकरकंदी को हमने अच्छे से धुल लिया था, इसकी मिट्टी वगैरह नहीं लगे रहने देना चाहिए, अच्छे से धुल देना है। अब हमने सारा प्रोसेस स्लो आंच पर करना है, मीडियम या तेज़ आंच पर नहीं करना है। और आपको मीडियम शकरकंदी ही लेना है, नहीं तो आप जब इसे बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा अगर मोटी रहेगी तो। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, मीडियम शकरकंदी ले, जल्दी से बनकर और बुनकर तैयार हो जाती है। देखिए हमने यहाँ पर शकरकंदी रख दी है। अब यहाँ पर हम डाल देंगे चाय वाले कप से एक छोटा कप भरकर पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और हमने आज स्लो रखना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा पानी डाल दिया है एक छोटा कप भरकर। इसके बाद हम इसे ढक देंगे, इसकी भाप हमें बाहर नहीं निकलने देनी है, तो ये ज़्यादातर अपने भाप से ही पकेगी। और इसे हम 10 मिनट पकने देंगे स्लो आंच पर, और 10 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है, हम ढक्कन हटा देंगे। इसके बाद हम इस शकरकंदी की साइड चेंज कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी है, क्योंकि अभी 10 मिनट ही हुआ है, हमने स्लो आंच रखी है, तो सारी शकरकंदियों को हमें साइड चेंज कर लेनी है। देखिए हमने साइड चेंज कर ली है। अब इसे भी ढककर हम 10 मिनट तक का स्लो आंच पर पकाएंगे। अगर आप मोटी या पतली शकरकंदी लेते हैं तो आप अपने टाइम के हिसाब से पका लें। देखिए 10 मिनट हो चुका है, यहाँ पे हमने ढक्कन हटा लिया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, देखिए मैं साइड चेंज करके बता रही हूँ। हमने जो पानी डाला था सारा पानी सूख चुका है, देखिए। अब हम इसे बिना पानी के ही ऐसे ही 5 से 7 मिनट भून लेंगे। और जब हम भुनेंगे तो ढक्कन नहीं ढकना है और स्लो ही आँच पर भुनना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हमारी शकरकंदी जो है अच्छे से पक चुकी है। मैं चमटा शकरकंदी में डाल रही हूँ तो आराम से हमारी शकरकंदी में चमटा चले जा रहा है। तो इसे हम 5 से 7 मिनट स्लो आँच पर भुन लेंगे, ताकि हमें इसमें चूल्हे वाला फ्लेवर आए, जैसे कि हम चूल्हे पर भुनते हैं, आग में भुनते हैं, वैसा फ्लेवर आएगा। देखिए हमने साइड चेंज कर ली थी, 5 से 7 मिनट हो चुके थे, हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड चेंज कर लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें भुने हुए जैसे का निशान लग रहा है, जैसे कि हम आग में भुनते हैं वैसे ही। देखिए आप देख सकते हैं हमारी जितनी भी शकरकंदी है सब अच्छे से भुन चुकी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब हम इसे खाते हैं, एकदम भुने हुए का टेस्ट आता है। यहाँ पर हम ठंडा होने देंगे, देखिए यहाँ पर हमारी शकरकंदी ठंडी हो चुकी है, इसे हम छील लेंगे। और बहुत से लोग बगैर छीले हुए भी खाते हैं, आप जैसा चाहें वैसा खा सकते हैं, मगर आपको फ्लेवर भुने हुए का ही आएगा और चूल्हे जैसा स्वाद आएगा। बगैर ओवन बगैर तंदूर के एकदम भुना हुआ टेस्ट इंजॉय करें। इस शकरकंदी को इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें।